जय माता दी। आज है नवरात्रा दूसरा और थैंक यू सो मच आप लोगों का सबका सपोर्ट करने के लिए और यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो क्या बोल रही थी, तो नमस्ते, थैंक यू सो मच। मेरा वॉच टाइम बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं था। और थैंक यू सो मच, और आप लोगों की दुआ और सपोर्ट रहा तो मेरा वॉच टाइम बहुत जल्दी क्लियर होगा और जल्दी ही चैनल का शुभारंभ होगा। और थैंक यू सो मच, जय माता दी और हैप्पी नवरात्रि। सेकेंड नवरात्रा है आज और हैप्पी नवरात्रि मेरी तरफ से आप सभी को। और बताइए, जल्दी जल्दी मेरी लाइव को ज्वाइन कीजिए और बताइए आप कहाँ से हैं, आपने फास्ट रखे हैं या नहीं रखे हैं, आप माता को कितना मानते हैं। और माता सबके ऊपर मेहरबान होती है और मैं बस इतना कहूँगी, माता रानी 9 दिन के लिए आई है लेकिन सबके दुख अपने साथ लेके जाएँ और सबको आशीर्वाद देके जाएँ कि सब खुश रहें और सब अच्छे रहें, हेल्दी रहे, सबकी हेल्थ अच्छी हो, अपने घर में सब अच्छे रहें। तो अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं जल्दी जल्दी मैसेज करिए और बताइए आप कहाँ से हैं और लाइक करिए मेरी लाइव को और अपना साथ और अपना सपोर्ट मुझे दीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ और नॉर्मल लोगों की तरह। और आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं शॉर्ट्स वीडियो हमेशा बनाती रहूँ, मैं कॉमेडी शॉर्ट्स बनाती हूँ, तो आप लोगों का साथ और आशीर्वाद ऐसी रहा मेरे सर पे तो ज़रूर मेरा चैनल मोनेटाइज होगा और बहुत जल्द होगा। सबको यहाँ आशीर्वाद भर दो, मिलेगा सबको यहाँ आशीर्वाद भर दो, लगती है यहाँ मैया की। मेरा बेटा भी रात अभी उठ जाएगा ना, मेरा फोन फेंकेगा सबसे पहले। तो आज मैं सोच रही थी कृपाई करने के लिए बट कोई नहीं है मेरे पास, मेरे जो बारीक वाली सुई थी वो मेरे छोटे बेटे ने पता नहीं कहाँ फेंक दी है और मोटी वाली सुइयाँ हैं बार बार उंगली में घुस जाती है अंदर और नहीं हो पाती है उससे कृपाई। कोशिश करती हूँ उसे करने की। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं अपने घर पे और माता की चौकी किस किसने रखी है। तो यहाँ मैं ऐसा कब होगा कि मैं लाइव में आई और फटाफट से लोग आ गए, झटपट 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 तो मुझे नहीं पता चल रहा मेरी हाईलाइट क्यों नहीं निकल रही है। और पहले निकल रही थी अब नहीं निकल रही है, पता नहीं कौन सा बटन दब गया फोन में मेरे से। और क्या हो गया है पता नहीं,